नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द लास्ट लेफ का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर नंबर वन क्या है, सपोज यू सफर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इलनेस 1 or 2 weeks, व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू अवॉइड, फिल अप द टेबल ऑफ डूज एंड डोंट्स। तो देखिए इसका आंसर मतलब ये टेबल हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट डिफर इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू पुट आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फाइन। तो इसके हमने टू सेंटेंसेस बनाए हैं, कौन कौन से, द सॉल इज मेड ऑफ फाइन सिल्क थ्रेड्स, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट बी क्या है, आई फील फाइन नाउ दैट आई एम इन द ओपन एयर। फिर यहाँ पर सेकेंड वेव दिया है, तो इसमें ये है, द वेव्स इन द सी वाटर वर जेंटल, बी माई फ्रेंड गिव मी अ वेव बिफोर डिपार्टिंग। एंड थर्ड बेयर, सो ए है, इट इज़ नॉट ईजी टू बेयर द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एंड सेक बी इज आई सॉ द पोलार बेयर डूइंग ट्रिक्स इन द जू। यहाँ पर फोर्थ क्या है, रोज, तो इसमें ए है, द रोज इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, एंड बी द टेम्परेचर रोज आफ्टर द साइक्लोन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्थ है लिड, तो इसमें ये है, द प्लेट ऑफ गोल्ड टू लिड इन द रॉन्ग हैंड, एंड बी माई पेरेंट्स हैव लीड मी टू द राइट पाथ इन लाइफ। एंड सिक्स वन इज मैच, इसमें ए है, आई एंजॉय द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड बी अ मैच इज इम्पॉर्टेंट टू सेट फायर टू डेब्रिस। फिर यहाँ पे सेवेंथ वन सेकेंड, सो इसमें ए है, एवरी सेकेंड इन हिज लाइफ इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट टू अस, एंड बी है, आई वॉज वेरी हैप्पी वेन आई वॉन द सेकेंड प्लेस इन द एसे कॉम्पिटिशन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एट्थ वन क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें ये है, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ मस्ट ऑब्जेक्ट बी टू लव अवर फेलो मैन, और यहाँ पर भी है, माई पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई बिकमिंग अ फुटबॉल प्लेयर। अब यहाँ पर नंबर वन, ठीक है, क्या है, रीड द स्टोरी एंड चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग्स। इसमें ए है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो हमने आंसर लिखा हुआ है, आर्टिस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू अर्न अ लिविंग। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट बी क्या है, स्केलेटन ब्रांचेस, तो इसमें क्या आएगा, बेयर ब्रांचेस। ओके, एंड सी इज विल्डेड द ब्रश, तो इसमें क्या आएगा, पेंटेड स्किलफुली। एंड डी क्या है, पैलेट, तो इसमें क्या आएगा, अ बोर्ड यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू मिक्स कलर्स। फिर यहाँ पर ई, मास्टरपीस, तो एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड क्या है, मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स फ्रॉम द स्टोरी। इसमें ए है, इंटरेस्ट, तो इसमें फर्स्ट वन हमने क्या लिखा है, माई फ्रेंड शोज इंटरेस्ट इन स्टडीज, एंड सेकेंड क्या लिखा है, टूडे बैंक्स आर पेइंग गुड इंटरेस्ट ऑन मनी इन्वेस्टेड बाई अस। अब यहाँ पर नेक्स्ट बी है वेल, इसमें हमने फर्स्ट लिखा है, इन विलेजेस पीपल स्टिल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, एंड सेकेंड वन इज हिज एसे वॉज वेरी वेल रिटन। अब यहाँ पर सी है, लेफ्ट, तो इसमें हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई वॉज टोल्ड टू टर्न लेफ्ट बट आई टुक द रॉन्ग टर्न। फिर यहाँ पर सेकेंड क्या लिखा हमने, फॉर लंच आई एट वॉट एवर वॉज लेफ्ट इन द फ्रिज। फिर यहाँ पर डी, जस्ट, इसमें नंबर वन है, द चिल्ड्रन हैड जस्ट लेफ्ट वेन द मैजिशियन अराइव्ड, एंड सेकेंड वन इज इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जस्ट टू बी जस्ट। अब यहाँ पर ये है माइंड, इसमें नंबर वन हमने क्या लिखा है, डिसीजंस मस्ट बी मेड विथ अ क्लियर माइंड, एंड सेकेंड क्या लिखा हमने, माई मदर हैड टू विजिट अ डॉक्टर हेंस आई हैड टू माइंड माई किड ब्रदर। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, स्टेट द फैक्ट्स अबाउट द स्टोरी, तो देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स लिखा है, फिर प्रॉब्लम अटेम्प्ट्स मेड टू सॉल्व इट, एंड द क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व, फिर एंड। तो आप देख सकते हो आपको भी ऐसे ही कुछ लिखना है, आप पहले तो इतना देख लो, फिर मैं आपको आगे का दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो जॉन सी सू और मिस्टर बैरमन एंड द डॉक्टर,
राइट ना। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, तो जॉनसी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड सी फेल्ट शी वुड डाई वेन द लास्ट लीव ऑफ द आईवी वाइन फेल। फिर अटेम्प्ट मेड टू सॉल्व इट, तो इसमें क्या लिखा हमने, सो स्पोक टू हर एंड ट्राइड टू मेक हर अंडरस्टैंड, डॉक्टर स्पोक टू हर, नथिंग रियली हेल्प। एंड क्लाइमैक्स, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या होता है, वेन द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, जॉनसी रियलाइज ही वॉज रॉन्ग एंड वीक, सी रियलाइज दैट इट वॉज अ सीन टू वॉन्ट टू डाई। बाद प्रॉब्लम सॉल्व, अभी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, जॉनसी रिमूव द थॉट ऑफ डाइंग फ्रॉम हर माइंड, सी डिसाइडेड टू हैव हर मिल्क एंड ब्रॉथ एंड इवन होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल सम डे एंड द मैन हु पेंटेड द आईवी वाइन लीफ ऑन द वॉल, मिस्टर बेमन गॉट वेट व्हेन ही वाज पेंटिंग एंड गॉट इल विथ न्यूमोनिया, दिस मैन हु हेल्प जॉनसी टू लिव डेड आफ्टर टू डेज। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे अभी फोर्थ वन आ जाता है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, तो इसमें है सू एंड जॉनसी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो ये क्या है, राइट है। बी सू वॉज अ रिच गर्ल, तो ये क्या है, रॉन्ग है। एंड जॉनसी वॉज होपफुल दैट सी विल लिव, रॉन्ग। डी बेरमन वॉज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, रॉन्ग। फिर यहाँ पे ये द लास्ट लीफ फेल ऑफ ड्यूरिंग द रैन, राइट। एंड एफ क्या है, जॉनसी रियलाइज दैट हर थिंकिंग वॉज रॉन्ग, राइट है। जी है यहाँ पर, बेरमन डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट द लास्ट लीफ ऑन द आईवी, सो ये क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पर फिफ्थ वन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें ये है सू एंड जॉनसी वर गुड नेबर्स, तो इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, दे शेयर्ड अ फ्लैट एंड सेटअप अ जॉइंट स्टूडियो। बी क्या है, जॉनसी वॉज ईगर टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, तो इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, सी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल, एंड सी इसमें है सो इग्नोर जॉनसी कंप्लीटली, तो इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, शो टुक वेरी गुड केयर ऑफ जॉनसी। एंड डी है यहाँ पर, बेरमन वॉज अ वेरी हार्टलेस पर्सन, तो ये क्या है, इसको हमने करेक्ट करके लिखा है कि बेरमन वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। एंड ई द रियल आईवी लीफ डिड नॉट फॉल ऑफ एट ऑल, तो इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, द रियल आईवी लीफ फेल इन द हैवी रैन। एंड एफ द लास्ट लीफ वॉज अ रियल लीफ दैट सर्वाइव्ड, तो इसको हमने करेक्ट करके क्या लिखा है, द लास्ट लीफ वॉज अ लीफ दैट मिस्टर बेरमन हैड पेंटेड ऑन द वॉल। अब यहाँ पर सिक्स वन क्या है, रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम यूजिंग योर ओन वर्ड्स, तो द आईवी वाइन के बारे में हमें लिखा है, फिर यहाँ पे बेरमन, फिर द लास्ट लीफ दैट जॉनसी सा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।